संजय तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी जाओ। हाँ बस मैं अभी निकल ही रहा हूँ। हेलो, हाँ मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हो, वो सामने ही है, अभी तक गया नहीं। हाँ हाँ जैसे ही वो ऑफिस जाता है मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, ठीक है, फिर तुम आ जाना। हाँ चलो बाय। पिंकी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, मेरे ऑफिस जाती वो किसी और को घर में बुलाती है। पिंकी, पिंकी जी कहिए। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। कब तक आओगे? मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, 10 बज जाएगा। ठीक है। चलो बाय। हेलो, हाँ हाँ अब तुम आ जाओ। हाँ वो ऑफिस चला गया है, और सुनो थोड़ा ध्यान से आना, हाँ किसी ने तुम्हें देख लिया तो संजय को फोन करके बता देगा। हाँ मैं तो आज बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है चलो मैं रखती हूँ, हाँ बाय। आज तक मैंने पिंकी को किसी चीज़ का कमी नहीं होने दी, ये मुझे धोखा दे रही है। मैं इसे और इसके आशिक को छोड़ूंगा नहीं, आने दो उसे, थाम तोड़ दूंगा उसको। क्या हुआ तुम इतनी जल्दी आ गए, तुम तो लेट से आने वाले थे ना। क्यों मेरा आना अच्छा नहीं लगा क्या तुम्हें? किसी और का इंतजार कर रही थी, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो बोलो मैं चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बैठो ना मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर। पिंकी बस अपना पति प्रथा ड्रामा बंद करो बस। ये तुम क्या बोले जा रहे हो? तुम्हें नहीं पता मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, अपने आशिक के किस्से मेरे मुंह से सुनना चाहती हो? मैंने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ा और तुम मेरे पीठ पीछे अपने यार को बुलाती हो और अपना मुंह काला करवाती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे। अब ऐसे क्या देख रही हो, सोच रही हो ना कि मुझे इन सब के बारे में कैसे पता चला? तुम जब कॉल पे बात कर रही थी तब मैंने सब सुन लिया था। जाओ देखो तुम्हारा यार आया होगा। अरे मेरी बात तो सुन लो। खोलोगी या फिर मैं खोलूं दरवाजा? रुको तुम मेरी बात तो सुन लो। भाई आप घर पर? भाभी आपने तो कहा था आ जाओ, भाई ऑफिस चले गए हैं। पूरे सरप्राइज की बैंड बज गई, पता कितना छुपका आया मैं। रजत तुम यहाँ अचानक? मैं तुम्हें बताने ही वाली थी लेकिन तुम मेरा सुनते तब ना। ये सब क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने इनको बुलाया था तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें सरप्राइज देने के लिए, पर तुमने मुझे इतनी घटिया बात बोल डाली। तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हें धोखा दूंगी? पिंकी, पिंकी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, गलत फहमी के चक्कर में मैंने तुम पे हाथ भी उठा दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारे लिए सब कितना आसान है ना, पहले इतना कुछ बोल दिया फिर हाथ भी उठा दिया और फिर सॉरी बोलकर बात खत्म कर दी, और मेरे आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंची है उसका क्या? अच्छा भाभी ये सब आप आराम से बाद में सॉल्व कर लेना, अब फिलहाल बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हाँ आ जाओ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चलिए बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, आइए चलो आइए सेलिब्रेट करते हैं। चलो हैप्पी बर्थडे।